बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हमेशा की तरह राणा जी प्लास्टिक डोर कंपनी की तरफ से राणा वसीम। और आज की जो वीडियो है वो डब्ल्यूपीसी डोर की तरफ से है। डब्ल्यूपीसी डोर की वीडियो बना रहे हैं हम, और हमेशा की तरह हम जो भी हमारे पास नया डिज़ाइन आता है या नया कोई टेक्चर आता है या कोई नई चीज़ आती है तो हम फौरी तौर पर अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि हमारे कस्टमर्स और हमारे जो फॉलोअर हैं वो अपडेट रहे हैं कि क्या चीज़ बन रही है मार्केट में, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है और क्या चीज़ आने वाली है। उस हवाले से आज की वीडियो है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि डब्ल्यूपीसी डोर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के अंदर। ये डब्ल्यूपीसी डोर का जो ये डिज़ाइन है ये तो हमारा काफ़ी पुराना, काफ़ी देर पहले का निकला हुआ है, लेकिन इसके ऑर्डर बहुत कम थे। अब रिसेंटली इसके ऑर्डर आना शुरू हुए इस डिज़ाइन के, तो इस वजह से इसका हमने रिव्यू के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही सिंपल और मॉडर्न स्टाइल है। ये मेन जोड़ी है, तकरीबन 5 फुट बाई 7 फुट की ये मेन जोड़ी है, 5 बाई 7 की जोड़ी है, डब्ल्यूपीसी डोर है। इसके अंदर जो डिज़ाइन है ये सर्कल बने हुए हैं, ये गुलाई में नहीं है, थोड़े से तकोने सर्कल है। इसकी ये जो सेटिंग है कंप्यूटर के ज़रिए ऑटो कैड के ज़रिए सीएनसी डिज़ाइन में की जाती है। बिल्कुल प्रॉपर जो है इसका ये दायरा आप देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है, जो कि ये चीज़ इसकी वाजह करती है सीएनसी की डिज़ाइन को के और इसके जोड़ी को। आप इस जो डिज़ाइन है इसके अंदर तो जोड़ी इस तरीके से बनी है कि इसके जो ज्वाइंट है वो आपस में मिले हुए हैं, तो ये एक मुकम्मल मेन इंटरेस्ट की जोड़ी बनती है। अगर आप इसको अपोजिट करते हैं तो भी ये जोड़ी बन जाएगी, तो भी खूबसूरत बनेगा, उसकी भी हम कोशिश करेंगे वीडियो बना के आपको दें। यहाँ पर आपके जो है इस साइड पर कब्ज़े आ जाएंगे दोनों साइडों पर, और यहाँ पर आपका लॉक और हैंडल जो है वो आ जाता है, और कस्टमाइज साइज़ में तैयार होता है। कोई भी डिज़ाइन है, सीएनसी डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन आप कहेंगे बन जाता है। डब्ल्यूपीसी के बारे में आपको पहले भी हम काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं, इसके मतलब जितनी भी वीडियो बनाए हैं वो कम है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान है इसके अंदर लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन कौन सी जो चीज़ है वो मार्केट में चल रही है। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन जो है दरवाज़े वो डब्ल्यूपीसी डोर हैं। फाइबर के अंदर भी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इस पर आके एंड हो जाता है मार्केट में, इसके ऊपर कोई डोर नहीं है, एंड हो जाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये सॉलिड डोर है, फाइबर के मुकाबले में, पीवीसी के मुकाबले में, वुड के मुकाबले में ये डोर सबसे ज़्यादा सॉलिड भी है और मज़बूत भी है। इसकी जो वाल थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद वुड प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल होने की वजह से ये वाटरप्रूफ भी है, इसको दिमक भी नहीं लगती, इसके ये फ़ायदे हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये बेसिक कलर है। हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरह की जो प्रोडक्ट है वो आपको बताएं। ये डोर इस वक्त बेसिक कलर में है, बहुत सारे ऑर्डर जो हमारे जाते हैं वो इस तरह जाते हैं बेसिक कलर में, कस्टमर खुद जो है अपने घर में उसको अपनी मर्ज़ी की जो पॉलिश है वो करवाता है। इसका बेसिक कलर ये है। अब जब इसकी वीडियो पॉलिश होगी, इसके ग्रेन्स वगैरह वाजह हो जाएंगे, पॉलिश होगी, इसकी फुल फिनिशिंग हो जाएगी, उसके बाद भी हम इसकी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ये दिखाने का मकसद ये होता है कि भाई बेसिक कलर इसके ये है, और इसके जी अंदर जो ग्रेन्स आप देख रहे हैं ये लेंथी ग्रेन्स इनको कहते हैं, यानी कि ये वर्टिकल डिज़ाइन है, लेंथी ग्रेन्स हैं ये। जब ये पॉलिश होती है तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, और बिल्कुल ये वुड लुकिंग है, जिस तरह लकड़ी होती है, ऐश वुड है या दियार वगैरह, उसके जिस तरह ग्रेन्स होते हैं वो ये इसकी ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर के स्ट्रक्चर की, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह बना हुआ है। अभी इसके अंदर जो है इसके अंदर का स्ट्रक्चर आपको वाजा करते हैं। ये जो इसका हालो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये 6 mm की वाल थिकनेस है इसकी, 6 mm की इसकी वाल थिकनेस है, अंदर से ये हालो है। कंपनी इसी तरह बनाती है, अंदर से हालो है, 6 mm की वाल थिकनेस है, लेकिन बहुत मज़बूत है, बहुत मजबूती है इसकी, सॉलिड है, ज़बरदस्त है। डब्ल्यूपीसी की जो वाल थिकनेस 6 mm बाहर से आ जाती है, अंदर से ये खाली होता है। जो साइडों पे दो जगह होती हैं जहाँ पे इसका लॉक या कब्ज़ा वगैरह लगना, वहाँ पे इसके अंदर लकड़ी फिलिंग की जाती है। दो खाने जो है, 2 इंच की लकड़ी इधर है, 2 इंच की लकड़ी जो है वो यहाँ पे यूज़ होती है। तो ये है इसके अंदर का स्ट्रक्चर, अंदर से ये थ्रू आउट देखें आप कैमरे में खाली नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। अब ये
स्ट्रक्चर आपने देख लिया अंदर से हालो है। अब इसके बाद इसके ऊपर ये प्लेन है, ये देखें इसके ऊपर कोई सीएनसी का डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, इस शक्ल में होता है। उसके बाद कस्टमाइज सीएनसी डिज़ाइन, जैसे ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये चीज़ बनती है, इसमें ग्रूव नहीं बनते जिस तरह ये लाइक फाइबर के ग्रूव्स बने हुए आप देख रहे हैं, ये ग्रूव्स है, बैंड है इसके, इसमें ये चीज़ नहीं बनती, ये बिल्कुल सीएनसी डिज़ाइन होता है, चौरस डिज़ाइन है। अभी मैंने आपको ये एक चीज़ दिखाई है हॉलो। अब हमने यहाँ पे एक और इसमें चीज़ ऐड की है, वो बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान में तो अभी फ़िलहाल कोई कंपनी ये नहीं कर रही है। इसमें हमने जो चीज़ स्पेशली ऐड की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं वो हमें कहते हैं कि जी ये हमें हॉलो नहीं चाहिए, हमें ये फिल चाहिए। तो फिल के लिए हम क्या करते हैं, जब इसके अंदर बहुत सारी लकड़ी हम डालते हैं तमाम पीसेज खानों में, तो ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा वज़न इसका बढ़ जाता है। अगर वज़न ज़्यादा होगा दरवाज़े का तो टाइम के साथ वो कब्ज़ों की जगह से वो थोड़ा सा लिफ जाएगा या वीक हो जाती जगह, इसलिए इसका भी हमने हल निकाला अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। आज हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है और ये देखें, एक्सपेरिमेंट ये किया कि इसके अंदर हमने पीओ फोम जो केमिकल है उसकी फिलिंग कर दी है, ताकि जो कस्टमर्स की ये चीज़ कहते हैं कि ये अंदर से हालो है, ये देखें, ये चीज़ इंडिया हमसे काफ़ी देर पहले का बना रहा है, इसको कर रहा है, लेकिन इंडिया के जो है WPC डोर को देखेंगे आप तो वो इसी तरह अंदर से फॉलो होता है। तो इसका हमने आज एक्सपेरिमेंट किया, अभी हमारे पास जो कस्टमर चाहेगा कि इसमें हमें हॉलो नहीं चाहिए, फिलिंग चाहिए, तो इसका भी एक्सपेरिमेंट हो गया कि ये पीओ फोम केमिकल इसके अंदर इसकी फिलिंग हो जाएगी पूरे दरवाज़े के अंदर, तो ये भी सॉलिड हो जाएगा और दोनों तरफ इसके जो है वो लकड़ी की पैकिंग आ जाएगी। ये साथ में आपको ये भी रख के दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये डोर है, ये बिल्कुल हालो है, खाली है, और इसके अंदर ये फिलिंग हुई है। अगर कोई कस्टमर फिलिंग करवाना चाहता है तो उसके अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, वो 3,000 रुपये पर डोर के हिसाब से उसके अंदर से हालो फिलिंग हो जाएगी पीओ फोम की, इससे मज़ीद दरवाज़ा जब वो हो जाता है। अगर वो नॉर्मल रेट में लेता है तो उसको ये चीज़ मिलती है, उसके अंदर दोनों तरफ जो है इसके वुड लकड़ी की जो है वो पैकिंग होती है। इसका आपको मुकम्मल रिव्यू दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे इस डोर के प्राइस की और इसको मंगवाने के तरीके की। इस वक्त जो हमारा ये डोर है इस वक्त चल रहा है 950 रुपये पर स्क्वायर फुट है, और इसके जो ऊपर CNC होती है इसके चार्जेस जो हैं वो अलग होते हैं। जिस तरह के ये सादा डिज़ाइन है, सिंपल है, तो इसका 1,000 रुपया CNC चार्जेस हैं, और इससे ज़्यादा अगर काम होता है CNC का, जैसे बहुत ज़्यादा इसमें CNC करनी पड़ती है, लाइनें वगैरह डली हैं, तो उसका हमने जो है वो 1,500 रुपये रेट रखा CNC का, और 950 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से दरवाज़े का रेट है विद पॉलिश, और उसके साथ CNC का रेट आ जाता है। उसके अलावा जो अगर आप लाहौर से हैं और आप फिटिंग भी करवाना चाहते हैं तो इसकी तकरीबन लाहौर के अंदर 1,000 रुपये पर डोर की फ़िटिंग आपको मिलेगी। अगर लाहौर से बाहर है तो वो मौके के ऊपर जो है कारीगर से पूछ कर उसके अंदर जो भी उसका ऐड करने के बाहर का वो ऐड हो जाएगा, इस तरीके से आपको ये डोर मिलेगा। लाहौर के लिए तो जो है वो इजी है, वो यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री में विज़िट करेंगे, विज़िट करने के बाद अपनी चीज़ पसंद करेंगे, देखेंगे और ले जाएंगे। लेकिन जो लाहौर से बाहर है, ऑल ओवर पाकिस्तान, ये हमारी पहली कंपनी है पाकिस्तान की कि जो ऑनलाइन सर्विस दे रही है ऑल पाकिस्तान में डोर्स की। इससे पहले डोर्स की कोई भी सर्विस ऑनलाइन नहीं है पाकिस्तान में, ये हमारी कंपनी ये भी एक है सहूलत दी हुई है कि ऑनलाइन आप घर बैठे डोर अपने मंगवा सकते हैं किसी भी शहर में। उसके लिए करना ये है, आपने सिंपल आपके जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर आपने व्हाट्सअप करना है। अगर आपके पास कारीगर है, कोई लोकल कारीगर कारपेंटर है, उससे पमाइश करवा कर आप जो है हमें व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप के ऊपर आपको इसका तमाम डिज़ाइन और बिल आ जाएगा। फिर भी अगर आप विज़िट करना चाहें तो हमारे पास विज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ पर विज़िट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि WPC डोर के अलावा भी आप बाकी जो तमाम हमारे पास ये फ़ाइबर डोर लगे हुए हैं, फ़ाइबर डोर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, WPC डोर भी देख सकते हैं। इनके डोर के साथ साथ जो है आपको ये एक दिखाएंगे हम फ्रेम, ये प्लास्टिक का फ्रेम है, ये फ्रेम भी आपको इसके साथ मिल जाएगा, लेकिन इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, पहले भी वीडियो बनी हुई है तो वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ये WPC का फ्रेम है, दूसरा सॉलिड प्लास्टिक का फ्रेम है, PVC का फ्रेम है। आपको अगर फ्रेम भी चाहिए तो फ्रेम भी इसका मिल जाएगा, किसी भी साइज़ में दरवाज़े मिल जाएंगे, किसी भी शहर में मिल जाएंगे। जो हमारे डिलीवरी का तरीक़ेकार है वो ये होता है कि गुड्स कंपनी के थ्रू हम बिल्टी करवाते हैं माल, किसी भी शहर में आपको अगर चाहिए होगा तो बिल्टी चार्जेस जो भी होते हैं वो मौके के ऊपर बता दिए जाते हैं कस्टमर को,
मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारे लैंडलाइन नंबर, पीटीसीएल नंबर है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सचेंज के नंबर है वहाँ पे आप अपने ऑर्डर की इंक्वायरी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको मुकम्मल रहनुमाई करेगी, जो लोग नए घर बना रहे हैं उनके लिए, या जो लोग बनाने का सोच रहे हैं, दरवाज़ा लगाने का सोच रहे हैं, कि उन्होंने कौन सी क्वालिटी में जाना है। ये आज WPC के डोर का आपको बताया, ये हाई क्लास जो है अपर क्लास के ये लोगों के लिए ये डोर्स हैं, थोड़े से कॉस्टली हैं लेकिन लकड़ी से ये सस्ते हैं, और इसके जो क्वालिटी है और इसके जो फ़ायदे हैं, जैसे कि इसके ऊपर धूप और बारिश का कोई असर नहीं है, दीमक नहीं लगती, ये चीज़ें लकड़ी में लगती हैं लेकिन इसके अंदर नहीं लगती, इसका आपको मुकम्मल रिव्यू दे दिया है। अगर मज़ीद आपके पास कोई सजेशन है हमारे चैनल के लिए या हमारी कंपनी के लिए, तो आप हमारा फीडबैक दे सकते हैं हमारे ये YouTube चैनल के ऊपर, कमेंट में बता सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।